प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। जो लोग उनका साहित्यिक परिचय अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, लिंक पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो पाठ का सारांश शुरू करने से पहले मैं पाठ का परिचय करा दूं, क्योंकि मैंने पीडीएफ भेजा था, आप लोग पढ़े भी होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं उस पीडीएफ को, उनके लिए थोड़ी सी जो है सुविधा हो जाएगी। तो पाठ का परिचय कुछ ऐसे है कि यह जो पाठ है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक रिपोर्टताज है। ठीक, प्रस्तुत रिपोर्टताज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अप्रत्याशित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रिपोर्टताज में नर्सिंग होम में कार्यरत तीन परिचारिकाओं मदर मार्गेट, मदर टेरेसा एवं सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का परिचय एवं उनकी सेवा भाव का वर्णन किया है। घटना का चित्र इतने मार्मिक रूप से हुआ है, वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और क्षमता की मिसाल बन गया है। मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों अलग अलग एवं विरोधी देश क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की निवासी थीं। ये दोनों देश दो विश्व युद्ध के विरोधी देश रहे हैं, परंतु मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थीं। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ था। ये पूरा पाठ का एक परिचय रहा कि इस पाठ में लेखक के मन में कहाँ से कौन सी भाव आई थी और लेखक ने कैसे जो है शब्दों का जादू चला के और एक छोटी सी घटना को कितना सुंदर तरीके से जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए सीधे चलते हैं अब पाठ का सारांश। मैंने अलग अलग शीर्षक में जो है पूरे पाठ का सारांश जो है बनाया है, ताकि आपको समझने में जो है असुविधा न हो। मैंने पहला शीर्षक निर्धारित किया है लेखक का अतिथि से परिचारक बनना। अब इसमें क्या होता है कि लेखक किसी के वहाँ अतिथि बनकर जाते हैं। अब उसका नाम तो जिक्र नहीं किए हैं, लेखक जो है जिसके वहाँ अतिथि बनकर जाते हैं आज उसी का जो है परिचारक बन गए हैं, क्योंकि अतिथा जो है अचानक बीमार हो गया, मतलब जिनके वहाँ ये रहते हैं अचानक वो बीमार हो जाते हैं और लेखक को उनको जो है इंदौर के एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो है भर्ती कराना पड़ता है। और नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात जो है तीन नर्सों से होता है या तीन सेविकाओं से होता है, जिसमें पहली रहती हैं मदर मार्गेट और दूसरा मदर टेरेसा और तीसरी जो है सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। इन तीनों से इनकी मुलाकात होती है जब अपने एक माने आतिथ्यता को ये नर्सिंग होम में भर्ती कराते हैं तब। उसके बाद से दूसरा मैंने निर्धारित किया है शीर्षक कि पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेरती मदर टेरेसा। अब लेखक अपने बीमार जो है आतिथ्यता की चिंता में डूबा हुआ है, वहाँ मतलब बैठे हुए हैं। उसी समय रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो अध्यक्ष हैं मदर टेरेसा का प्रवेश होता है और उन्होंने एक माँ के समान रोगियों से और रोगी के परिजनों को जो है निर्देश दिया कि रोगी के पास निराश और दुखी चेहरा लेकर नहीं बैठा जाता है। साथ ही मदर टेरेसा ने भावनाओं को अपने चेहरे एवं जो है गति विरोधियों का सामना करने के लिए कहती हैं कि कभी भी जो मरीज के पास बैठा जाता है तो दुखी चेहरा लेके नहीं बैठा जाता है, चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होनी चाहिए। वो एक मुस्कान जो है रोगी को स्वस्थ करने का
एक बहुत ही सुंदर दवा होता है। और बताती हैं मदर टेरेजा की, रोगी के गाल पे एक बार थपकी लगा दे और चेहरे पे उसकी अचानक से एक मुस्कान आ जाती है। ये सारी बातें जो है लेखक देखता रहता है, और लेखक ये भी देखते हैं कि कैसे जो है रोगी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है मदर टेरेजा के आते ही, और मदर टेरेजा के हाथों से जैसे स्पर्श होता है और जैसे वो बताती हैं तो एक खुशनुमा माहौल उस हॉस्पिटल में बनने लगता है। मैंने तीसरा शीर्षक निर्धारित किया है कि मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड के साथ। तो फ्रांस में रहने वाली मदर टेरेजा और जर्मनी की रहने वाली सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों के रूप में रस उद्देश्य सब एक जैसा लग रहे थे। लेखक कहते हैं दोनों में कहीं से भी असमानता नज़र नहीं आ रही थी। लेखक को यह जानने की अत्यंत उत्सुकता थी कि जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस का तबाह कर दिया था। दोनों एक दूसरे शत्रु देश की थीं, लेकिन यहाँ शत्रु देश की नर्सें के बीच मित्रता और अद्भुत संगम दिखने को मिल रहा था। इसी दौरान लेखक को यह एहसास हुआ कि ये दोनों महिलाएं नर्स विरोधी देश की होने के बावजूद हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये मतलब लेखक ये और मदर लेखक के मन की ये सारी बातें थीं। तीसरा चौथा शीर्षक मैंने बनाया है कि भेदभाव की दीवारें मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं। लेखक को मदर टेरेजा एवं सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड के अनुभव के एहसास हुआ कि वास्तव में धर्म, जात, राष्ट्र, वर्ग आदि को आधार बनाकर मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाला वास्तव में मनुष्य ही है। मनुष्य ही अपने संकीर्ण स्वार्थ की स्पूर्ति के लिए भेदभाव से भिन्न भिन्न दीवारें खड़ा कर सकता है। और मैंने पांचवा टॉपिक बनाया कि सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड और लेखक के मध्य क्या क्या वार्तालाप होती है, उन सारे वार्तालाप का जिक्र इसमें किया गया है। सिस्टर हेल्ड ने 5 वर्ष के लिए सेवा करने का व्रत लिया था, क्योंकि इनके पिताजी जो है जर्मनी में प्रिंसिपल थे, तो अपने पिताजी से इन्होंने कहा था कि मुझे 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दीजिए। यह रोगियों के काले घने बाल देखकर अपने पिता की यादों में खो जाती हैं। वहाँ कोई रोगी होगा जिसके बाल बहुत घने थे और काले थे, उसको देखकर जो है ये सिस्टर जो है अपने पिता की याद में खो जाती हैं। लेखक को लगता है कि जैसे वह स्वयं हेल्ड हैं जो अपने माता पिता से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला है, ये लेखक महसूस कर रहा है। लेखक अपने आप को ये सिस्टर हेल्ड के जगह पे लेखक अपने आप को रख कर यह चीज़ को अनुभूत करने का प्रयास कर रहा है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हेल्ड लेखक के जो है आंसुओं को रुमाल से पोंछती हैं। अब लेखक खुद अनुभव कर लेता है हेल्ड की परिस्थिति को और लेखक खुद रोने लगता है, तो लेखक की आंखों को जो आंसू आते हैं तो हेल्ड जो है उनकी आंखों को पोंछती हैं। लेखक उनसे पूछता है कि अपना घर छोड़ने के बाद तुम्हें रुलाई नहीं आई? वह भोले स्वर में बोली, नहीं, परंतु माँ बहुत रोई थी। लेखक को आश्चर्य होता है, वह अक्सर हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मनी भाषाओं में शब्द मिलाकर बोलती हैं। जब लेखक ने उन्हें एक बिस्किट भेंट किया तो वह धन्यवाद, थैंक यू, तांगसोंग बोलकर हंसकर और चली गई। यह लेखक और हेल्ड के बीच की वार्तालाप बहुत मार्मिक वार्तालाप थी। मैंने छठा टॉपिक बनाया है कि मदर टेरेजा द्वारा पूजा गृह के सम्मेलन की चर्चा। लेखक मदर टेरेजा से प्रश्न करता है कि अपने घर से आने के बाद क्या आप कभी घर नहीं गईं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने एक कहानी सुनाई। कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व भर में पूजा गृह का सम्मेलन हुआ।
भारत की दो मदर भी प्रतिनिधि बनकर उस सम्मेलन में गई थीं। वे दोनों फ्रांस की ही थीं, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटियां आ रही हैं। जब दोनों माताएं अपनी बेटियों का स्वागत करने के लिए आईं तो वे अपनी बेटियों को पहचान नहीं पाईं और एक दूसरे से पूछने लगीं, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उसका नाम पूछकर उन्हें गले से लगाया। कहानी पूरी होती है। मदर टेरेजा वहाँ से उठकर चली गईं क्योंकि उनमें से एक न पहचानने वाली बेटी वे स्वयं थीं। अब छठा टॉपिक है मदर टेरेजा के आत्मत्याग की भावना का परिचय। आप तस्वीर के माध्यम से देखने का प्रयास करिए कि मदर टेरेजा के अंदर कितनी जो है आत्मत्याग और भावना का परिचय था। मदर टेरेजा रोगियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं। वह असहाय रोगियों की सेवा करती थीं। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि अपने आत्मा को भी पूर्णतः रोगियों के लिए वे समर्पित कर चुकी थीं। वे पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना आदि भी किया करती थीं। उन्हें अपना प्यार अधिक दुख व्यक्ति के लिए समर्पित करती रहती थीं। वे अपने किसी जो है जितना कोई दुखी रहता था वे उससे उतना ही खुश करने का प्रयास करती थीं। आठवां शीर्षक है वृद्ध मदर मार्गरेट का सेवा भाव तथा जादुई व्यक्तित्व। वृद्ध मदर मार्गरेट की सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ लेखक उनसे उनके जादुई व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्हें गुड़िया कहा और साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी चाल चुस्त और व्यवहार मस्त था। वह रोगियों से मुस्कुराते हुए बात करती थी। उनको देखकर व्यक्ति के मन में दुख दूर हो जाता है। इस मानव सेवा में वे आनंदमय थी। उनके साथ उनके जीवन का भी कोई छोटा सा तुच्छ विचार नहीं दिखता। उनका विचार उनका व्यक्तित्व बहुत उदार और बहुत बड़ा था। वे रोगियों के साथ हमेशा घुल मिलकर और प्रसन्नता से रहने का प्रयास करती थीं। लेखक उन्हें गुड़िया इसलिए कहता था कि क्योंकि उनका शरीर जो है कद जो है थोड़ा छोटा था और इसलिए जो है लेखक उन्हें गुड़िया नाम से ही संबोधित करते हैं। जो नौवां शीर्षक है वो है परोपकार एवं मानवीयता की भावनाओं का चरितार्थ करना। लेखक कहना चाहता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में महिला नर्सें जिस आत्मीयता ममता स्नेह सहानुभूति की भावना से रोगियों की सेवा कर रही थीं वह सचमुच सभी के लिए अनुकरणीय है। हम भारतीय तो गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। इतना करके ही हम अपने कर्तव्यों को इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन ये महिलाएं नर्सें तो उस गीता की सार को अपने जीवन में उतारती हैं हर पल हर क्षण। सच में ये धन्य है। ये मानव जाति के उज्ज्वल पक्ष में है। ये लेखक की इतनी लेखक की बात है और वास्तव में ये सत्य है कि सेवा से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सेवा से बड़ा कोई जाति नहीं है। हम अगर निस्वार्थ से बिना किसी भेदभाव से अगर किसी की हम सेवा करते हैं तो पूरा गीता पूरा कुरान पूरा बाइबिल हमारे अंदर खुद है। हम खुद अपने आप में गीता हैं, हम खुद अपने आप में बाइबिल हैं और हम खुद अपने आप में जो है एक कुरान है। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सब कुछ बताना का प्रयास करता है। तो इस तरीके से लेखक ने ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ कर
लिखा है इसका हम लोगों ने सारांश देखा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।